तिलावत पर तिलावत, लेकिन सुबह होती है तो फिर वही हाल होता है, वही झूठ, वही गिबत, वही रियाकारी, वही दिखावा, वही फरेबकारी। अल्लाह वालों का तौबा भी अजीब होता है। इस तवस्सु से मैं अर्ज करूं कि अल्लाह वालों का तौबा कैसे होता, किस तरह होता है। हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, गुलाम खरीदने गए। गुलाम ने कहा कि हुजूर मुझे खरीद रहे हैं, लेकिन एक मेरी शर्त है, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा कि दिन भर आपकी खिदमत करूंगा, रात में मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकता। अगर ये शर्त मंजूर है तो आप मुझे खरीद लें। खरीद ली, गुलाम को घर लेकर के आए। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, नाम क्या है तेरा? कहा, गुलामों का नाम नहीं होता। अच्छा, खाना खाओगे क्या? हुजूर, गुलामों की कोई चाहत नहीं होती। ये कमरे हैं, जिस कमरे को चाहो पसंद कर लो। कहा, हुजूर, गुलामों के नखरे नहीं होते, जो चाहें जो कहेंगे मैं हुक्म की तामील करूंगा, जो खिलाएंगे खाऊंगा, जिस कमरा को आप मेरे लिए मुंतखब फरमा दे मैं उसमें रहूंगा। एक टूटा सा कमरा पसंद कर लिया गुलाम ने। वो गुलाम कोई गुलाम नहीं, अल्लाह वाले थे। मेरे मोहतरम, वो गुलाम दिन भर मालिक की खिदमत करता, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की, पांचों नमाजों की पाबंदी करता, और ईशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता, मुसल्ला बिछाता और रब की बारगाह में हाथ उठाता, मौला मुझे माफ कर दे, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले, मौला मुझे माफ कर दे, मुझे माफ फरमा दे। समझ में? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल सहरी के वक्त उठे, तहज्जुद अदा करके वो जायजा लेने के लिए गए तो देखा गुलाम को इस तरह रब की बारगाह में फरियाद कर रहा है, मौला मुझे माफ कर दो। माफी किस चीज की? वो खुद ही बोला, मौला तूने मुझे आंखें दी है, तूने मुझे जबान अता की, तूने मेरे अंदर सांसें चलाई है, समझने की कुव्वत फिक्र अता की है। मौला होना तो ये चाहिए था, हम दिन भर तेरी बारगाह में सजदा रेज होते, रात को भी सजदों में गुजारते, दिन भी सजदा में गुजर जाता मौला, लेकिन मेरे पास मेरे मालिक की भी खिदमत करनी है, मेरे ऊपर उनकी जिम्मेदारी है। मौला मैं दिन भर तेरी बारगाह में पांच नमाजों के अलावा नफल नहीं पढ़ सकता। मौला रात आती है तो मैं तेरी बारगाह में सजदा रेज हो जाता हूँ। मौला मेरी कोताहियों को माफ अता फरमा, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। सुबह की सफेदी नमूदार हुई, नमाज फज्र के बाद हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने गुलाम को बुलाया और कहा, ए गुलाम, जा तू अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिजा के लिए आजाद है, अब जो रूम है तुमको मिलेगा, खाना मिलेगा, लेकिन तू अपने मालिक की खिदमत कर, रब की इबादत कर, रब की रियाजत कर। कहा, क्या बात हुई हुजूर? कहा कि मैंने तेरी इबादत को, तेरी गिर गिरा रहे थे रब की बारगाह में, मैंने सुना है, तुम्हारी तौबा को देखा है। वो नौजवान सर को सजदे में रखा और अर्ज की, मौला ये मेरे और तेरे दरमियान राज की बात थी, मौला तूने फाश कर दिया, तूने जाहिर कर दिया, मुझे मौत आता फरमा दे। मेरे मोहतरम, रावी लिखते हैं कि वो सजदे में गया और जाने के बाद अल्लाह अकबर की सदा बुलंद फरमाई और वो उनकी रूह कब्ज़ से उनसरी से परवाज कर गई। हबीब अजमी हैं, सूद का कारोबार करते हैं, जो तौबा अल्लाह वालों का तौबा देखे, दिल से तौबा करते हैं, वो हबीब अजमी हैं, सूद का कारोबार करते हैं। बीवी ने कहा, सूद से बाज आ जाओ, रब ने हराम किया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। इत्तेफाक, वो सूद के पैसे रकम वसूल करने के लिए बाजार निकला है, गोश्त वाले के एक कसाई है जो उनके पास उनका सूदी पैसा था, कहा कि पैसे दे दो। कहा कि पैसे नहीं है, मोहलत अदा कर दे। कहा कि मैं मोहलत नहीं दूंगा। सारा गोश्त ले लिया और ले आज घर लेकर, घर लाने के बाद अपनी बीवी से कहा कि ये
सूद के, वो सूद का पैसा नहीं देता था, मैंने गोश्त उठा करके लाए हैं, ये सारा गोश्त पका लो। एक बड़ी पतीली में, बड़े वो बर्तन में गोश्त को डाला गया। मेरे मोहतरम, तारीख वो लिखने, इस रिवायत को नकल करने वालों ने लिखा है कि जैसे ही गोश्त को हाड़ी में रखा गया, पूरा गोश्त खून बन गया, खून बन गया। कहा, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे शौहर सूद लेने वाले, मैं भी खाती हूँ, आप भी खाओ और बच्चों को भी खिलाओ। वो आता है, आने के बाद देखता है कि पूरा गोश्त खून बन गया है। रब की बारगाह में सच्ची तौबा करने के लिए हजरत अल्लाह के वली हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह में गए, और जाने के बाद कहा, जब वो रास्ते में जा रहे थे ना, बच्चे खेल रहे थे, कहा कि भाई हट जाओ हट जाओ, बड़ा सूदखोर हबीब अजमी आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी नहुसत की वजह से, उनकी नहुसतों की वजह से, इनकी नहुसत की वजह से हमारे दिल पर पर्दे न पड़ जाए। आगे गए हजरत हसन बसरी की बारगाह में, हुजूर ये वाकया है, आपने बारहा मुझे समझाया है लेकिन समझ नहीं पाया, आज मैंने अजीब वाकया देखा, मेरा वो गोश्त लाया और पूरा गोश्त खून बन गया, आज रब की बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, क्या अल्लाह कबूल कर लेगा? कहा, अल्लाह रहीम व करीम रब है, अल्लाह करीम रब है, वो ऐसा करीम है। शेख सादी लिखते हैं, अगर बंदा चाबुक न आए दे बकार, अजीजश न दारद खुदा बंदगार। अगर कोई गुलाम अपने मालिक की खिदमत नहीं करता तो उसका मालिक उसको नौकरी से फारिग कर देता है। वो लेकिन खुदाबंद वाला वो पास बरसियादरेरिस्त बरकास नबास, लेकिन परवरदिगार आलम की जात वो है, बंदा गुनाह पर गुनाह करता है, सियाहकारियां करता है, बदकारियां करता है, वो खाता है फिर भी नाफरमानी करता है, फिर भी रिस्क का दरवाजा बंद नहीं फरमाता। कहा, अल्लाह करीम है, तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। सिद्क दिल से तौबा की है, और तौबा करने के बाद जब वापस पलटे हैं तो बच्चे अभी खेल ही रहे थे, अरे हट जाओ, अल्लाह का वली आ रहा है, हट जाओ, अल्लाह का वली आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरे पाँव के गर्द उनके अल्लाह के नेक बंदे हजरत हबीब आजमी के पर न पड़ जाए। वो सजदे शुक्र बजा लाया और अर्ज किया कि मौला तू कितना करीम है, अभी गया था ये बच्चे मुझ पर लानत कर रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ दिल से तौबा किया है तो मखलूक खुदा के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दिया है। ये अल्लाह वालों की तौबा है। अत्ताइबूनल आबिदून, इबादत करने वाले होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, ये फर्ज नमाज के आदि तो होते ही हैं, नफल के भी आदि होते हैं। बुजुर्गों की जिंदगी से पता चलता है, अपने घरों में कब्रें खुदवा ली और इबादत गाहें उनकी कब्र बनी है, उनका मजार बना है। वो नवाफिल पढ़ते पढ़ते अल्लाह के मुकर्रब हुए। हदीस पाक में भी है कि बंदा नवाफिल की कसरत करता है, कसरत करता है, कसरत करता है, यहाँ तक कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर कोई अल्लाह का वली यहाँ से बैठ करके दूर तक का मुशाहदा कर ले तो बताए ये ताकत किसने दी, अल्लाह ने आता फरमाई है। अगर हाथ रख करके किसी मरीज को, अल्लाह वाले किसी मरीज पर हाथ रख दे और वो शिफा पा जाए, वो शिफा पा जाए, बताए ताकत किसने दी है, अल्लाह ने आता फरमाई है। तो फिर एतराज किस बात की? आज ही हमारे पास मुगलपुरा के एक शख्स थे, हैदर अली साहब, वो आए और कहा कि मेरे घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। वो उनका एक बच्चा 10 साल का बच्चा भी साथ में आया था, उन्होंने अचानक बताया, कहा कि ये बच्चा है हुजूर आली की दुआओं का सदका है। कहा कि हुजूर का
हुजूर आली का जब विसाल हुआ तो मेरा बच्चा ये 10 उस वक्त 8 साल का वो नापाक था, जिसकी वजह से वो जनाजा में भी शरीक नहीं हुआ और मिट्टी भी ना पाया। सुबह में ख्वाब में वो तशरीफ लाए उनके बाप के, हुजूर आली ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा कि तेरे बेटे ने मेरे कब्र मेरे मजार पर मिट्टी नहीं दी। वो कहता है कि मैं सुबह में बच्चे को नहलाया और नहलाने के बाद वो मजार शरीफ पर ला करके मिट्टी दिलवाया। तो अगर अल्लाह वाले के दस्ते करम से शिफा मिल जाए तो गोया ताकत अल्लाह अता फरमाता है। अत्ताइबून अल आबिदून, इबादत करने वाले हजरत सैयदना मुआज़ इब्ने जबल के शागिर्द है हजरत अबू इदरीस खौलानी, कहते हुजूर की जब सोहबत में आया तो मेरी दुनिया बदल गई, नेकियों की तरफ दिल रागिब होने लगा, नेकियों की तरफ दिल रागिब होने लगा, दुनिया उचाट मालूम होने लगी। मैं आजमाइशें जब दिल उचाट हो गया, हुजूर की खिदमत में ज्यादा रहने लगा, कारोबार बंद हो गए। एक बात याद रखें, जब नेकियों की तरफ जाएंगे तो आजमाइशें आती हैं, आफतें आती हैं। अल अताया अला कदरिल बलाया, अल्लाह ताला मुसीबतें दे करके बंदों को आजमाना चाहता है, उनके दर्जात को बुलंद फरमाता है। वो कहते हजरत अबू इदरीस खौलानी घर में फाका पड़ गए, बीबी डांटने लगी कि आज काम करके नहीं आए तो अपने बाल बच्चों को लेकर के मैं मायके चली जाऊंगी। वो कहते हैं कि मैं काम की तलाश में गया, जाने के बाद कोई काम न मिला, जोहर तक तलाश की, जोहर के बाद नहरे फुरात पर की रेत पर जब कोई काम मजदूरी ना मिली, नहरे फुरात पर मैंने मुसल्ला बिछा करके जोहर से लेकर असर तक इबादत करने लगा, नवाफिल पढ़ने लगा, रब ताला की इबादत करने लगा, सजदा करने लगा। असर के बाद वो सोचा कि अगर मैं जाता हूँ घर पे फिर बीवी कुछ खटी सुनाएगी, मैंने झोले में वो रेत भर लिए, भर लेने के बाद आया। आने के बाद पहले मेरे घर का ये अंदाज था कि मेरे बच्चे मेरी बीवी मुंतजिर रहा करते थे, मेरा बाप आएगा, मेरे शौहर आएंगे, आज सब लोग घर में हैं। घर में गए, कहा बीवी कहाँ हो, कहा कि आप बैठे मुंह हाथ धो लें, मैं अभी खाना लेकर के आती हूँ। कहा कि 3 दिन का फाका है, घर में खाना नहीं है, कोई अनाज भी नहीं, 3 दिन से मैं काम की तलाश के लिए निकलता हूँ, काम नहीं मिलता, आखिर रिस्क कहाँ से आया, अनाज कहाँ से आ गए। मेरे मोहतरम वो जब खाना लेकर के आई, दस्तरखान सजा दी, चावल भी रखा, रोटी भी, दूध भी, और उस जमाने के जितने मतरूमात और जितने मशरूबात थे सब दस्तरखान पर सजा दिए। सोचने लगे, हजरत अबू इदरीस खौलानी कहने लगे, मैं हैरत में पड़ गया, फाका है, कहां से आ गई इस तरह की नियमतें। बीवी कहने लगी, मेरे शौहर किस सखी के दरबार की मजदूरी करने गए थे, किसकी मजदूरी करने गए थे, अल्लाह ने इस कदर अता किया मेरे घर, वो इतना ज्यादा अता किया, घर में रखने की जगह नहीं है। वो मालूम, वो कहा कि वो एक फरिश्ता नुमा शक्ल के एक शख्स आए थे, उन्होंने दी है। वो समझ गए कि मैंने जो रियाजतें की है उनका सदका है। अब वो कच्ची जमीन पर सर को सजदे में रख करके अर्ज किया, मौला हम मेहनत भी करेंगे रोजी कमाने के लिए, हम कोशिशें भी करेंगे, लेकिन दुनियादारों की मजदूरी कम करेंगे, मौला तेरी मजदूरी ज्यादा करेंगे। मैंने थोड़ी मजदूरी की है, जोहर से असर तक इबादत की है, तूने इतना सिला अता फरमाया है। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून, अल्लाह के बंदे तौबा करने वाले होते, इबादत करने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेकियों का हुक्म देने वाले, बुराइयों से रोकने वाले, वल हाफिज़ून अली हुदूदिल्लाह, और अल्लाह की जो हदें हैं, शरीयत इस्लामिया के जो कवानीन है उसके आगे एक इंच भी नहीं बढ़ते। ऐसे गुलामों के लिए रब ने फरमाया, ए हबीब इन गुलामों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छी गुफ्तगू आपने समाप्त फरमाई। हर इंसान अपना मुहासबा करे, ये फानी जिंदगी ही सब कुछ नहीं है। अपना मुहासबा करके अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रब की बारगाह में तौबा करे, माफी चाहे कि मौला हमारे नादानी की वजह से ये जुर्म हो चुका, गुनाह हो चुका, माफ फरमा दे, तो रब तबारक व ताला की रहमत झूम कर बरसती है। जब इंसान तौबा करता है अल्लाह बहुत खुश होता है, अल्लाह बहुत खुश होता है। बहुत सारे वाकयात तस्वीर नहीं जाएंगे, और उसका बड़ा करम यह होता है सच्ची तौबा का फैजान। जमाने का पापी है, दिल में खशियत इलाही पैदा हुई, अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, और अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर रब के बारगाह में आंसू बहा रहा है। रब का करम बरसता है, रब की रहमत नाजिल होती है, उसके सारे गुनाह नेकियों में बदल देता है। जितने गुनाह है नेकी में तब्दील हो जाते हैं। हजरात, तौबा बड़ी चीज है, और जब इंसान सच्ची तौबा है करता है तो हदीस है कि अत्तायबु मिन ज़म्ब कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे गुनाह वो किया ही नहीं। इसलिए इस दुनिया में अपनी जिंदगी का मुहासबा करके अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर के गुनाह करना इंसान के दिल में, इंसान के अंदर ख्वाहिशात का मादा रखा गया है, गुनाह कर सकता है, लेकिन गुनाह के बाद एहसास से गुनाह होना बड़ी बात है, जुर्म के बाद एहसास से जुर्म बड़ी बात है। इसलिए हर आदमी अपना मुहासबा करे, इस पुरफिजा और ये जो रहमत वाला मौसम है, अपने दिल के जज्बात को उभारें और रब के बारे में सच्ची तौबा करने की कोशिश करें कि जो जिंदगी के लम्हात गलत कामों में गुजर चुके हैं, मौला उसको हमें माफ़ फरमा और आइंदा जिंदगी हुस्न अमल की तौफीक अता फरमा। हर एक इंसान अल्लाह के बारे में फरियाद करे। अब आइए नात पाक के चंद अशआर लेकर आपके रूबरू। अजीजी अमन नवाज खान आ रहे हैं, बगौर समाज फरमाए नात पाक के अशआर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बाबाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर मनकबत के सय्यिदी सरकार हुज़ूर आली की बारगाह में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा करें, एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह। आशिक़े खैरुल बशर हैं सैयदी नूरे अली, आशिक़े खैरुल बशर हैं सैयदी नूरे अली, आशिक़े खैरुल बशर, आशिक़े खैरुल बशर रहनुमा वो राह पर है, रहनुमा वो राह पर है सैयदी नूरे अली, रहनुमा वो राह पर है सैयदी नूरे अली। और एक शेर पढ़ता हूँ कि बाग़े जन्नत के फरिश्तों से कहूँगा हश्र में, बाग जन्नत के फरिश्तों से कहूँगा हश्र में, के बाग जन्नत के फरिश्तों, बाग जन्नत के फरिश्तों से कहूँगा हश्र में, क्या के ले चलो मुझको जिधर है, ले चलो मुझको जिधर है सैयदी नूरे अली, चलो मुझको जिधर है स
सैयदी नूरे अली ले चलो मुझको जिधर है सैयदी नूरे अली। और एक शेर पढ़ता हूँ अजरे कि जब मेरे आमाल तोले जाएंगे पेशे खुदा, जब मेरे आमाल तोले जाएंगे पेशे खुदा, जब मेरे आमाल तोले जाएंगे पेशे खुदा, हम तलाशेंगे किधर है, हम तलाशेंगे किधर है सैयदी नूरे अली, हम तलाशेंगे किधर है सैयदी नूरे अली। आखिर मुलाहिजा करें कि जाहिरा इस बज़्म में मौजूदगी उनकी नहीं, जाहिरा इस बज़्म में मौजूदगी उनकी नहीं, कि जाहिरा इस बज़्म में मौजूदगी उनकी नहीं, बातिना हाजिर मगर है, बातिना हाजिर मगर है सैयदी नूरे अली, बातिना हाजिर मगर है सैयदी नूरे। ये थे मनकबत के अशआर जो अमन नवाज खान सुना रहे थे, और मबनी पर हकीकत अशआर हैं जो ये पढ़ रहे थे। लेकिन ये कमाल औलिया कराम को, ये कमाल, ये मकाम, ये दर्जा किस बुनियाद पर हासिल हुआ वो भी हमारी पेश नजर होना चाहिए, ताकि उसको हम अपने सीने में बसा के उनके गुलामों में हकीकतन अपना इंदिराज कर सकें। ये सारी चीजों की बुनियाद है इश्क़े मुस्तफ़ा, सारी चीजों की बुनियाद है मोहब्बत रसूल और हमारे आका व मौला हुजूर आली की जिंदगी का ताबनाक पहलू है ये कि हर घड़ी डूबे रहते थे नबी के इश्क में, हर घड़ी डूबे रहते थे नबी के इश्क में, शाने बज़्मे आशिकाते सैयदी नूरे अली, शाने बज़्मे आशिकाते सैयदी नूरे अली। तो मोहब्बत रसूल इश्क मुस्तफ़ा वो अजीम सरमाया है कि जिसने इसको अपने सीने से लगाया है वाकईतन वो हर जगह है राहबर पेशवा बन के चमके हैं। अब आइए नात पाक के दो तीन शेर के लिए आवाज दे रहा हूँ अजीजी अंसार को जो खादिम खास है, तमन्ना है, शौक है कि पढ़ेंगे। आइए और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सुफियाना हबीबाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सलातुन व सलामुन अलैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मौसम भी निराला है, मौसम भी निराला है, सरकार को आना है, मौसम भी निराला है, सरकार को आना है,
एक नाम मोहम्मद से रोशन जमाना है, एक नाम मोहम्मद से रोशन जमाना है, आँखें मैं बिछा दूंगा सरकार की राहों में, आंखें मैं बिछा दूंगा, आंखें मैं बिछा दूंगा सरकार की राहों में, आंखें मैं बिछा दूंगा सरकार की राहों में, मौत जरा रुक जा, ए मौत जरा रुक जा, सरकार को आना है, ए मौत जरा रुक जा सरकार को आना है। सरकार मदी सरकार मदीना का आशिक है बरेली में, सरकार मदीना का आशिक है बरेली में, सरकार बोले नूरी का जमाना है, गुशा के रजा बोले, अल्लाह की सरतब कदम शान है ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की सरतब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात अब आइए, एक शायर जो गाजीपुर से तशरीफ लाए हुए हैं वो आपके रूबरू होने जा रहे हैं, जिससे मेरी मुराद जीशान कादरी गाजीपुरी साहब हैं। मेरी गुजारिश है कि आएं और जरा इख्तसार किसी काम लेते हुए अपने अशार मजमा को सुनाएं, हम तमाम को सुनाएं। जीशान कादरी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ लें बाबा ज़बलंद अल्लाह व रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सैयदी सरकार बाबू बुजुर्ग जलवा फरमाएं, आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं। चंद शेर मैं मनाकिब के पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, दुआओं के साथ समाअत फरमाएं। नेमतें बांटता जिस्म तो वज़ीशान गया, साधी मुनशिये रहमत का कलमदान गया, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं के आशिक़े महबूबे तावे, आशिक़े महबूबे बेतावे, हज़रत नूरे अली आ
आशिक महबूब बेहता वे आशिक महबूब बेहता वे सैयदी नूर उसके सीने में सदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फरमाइश सभी के रोशनी ही रोशनी है उसके सीने में सदा आवाज दें बहुत से बोले सुभान अल्लाह रोशनी रोशनी उसके सीने में सदा रोशनी है कि रोशनी ही रोशनी है उसके सीने में सदा आप हैं दिल के अंदर आप है जिस दिल के अंदर सैयदी नूर आप है जिस दिल के अंदर दिल के अंदर सैयदी नूर अली आशिक महबूब दावे और एक शेर पढ़ता हूँ तमाम तर उस शान वाली सरकार तशरीफ रखते हैं एक शेर पढ़ता हूँ सुने के मेरे घर में आफतें आती नहीं है इसलिए सब लोग कह दें सुभान अल्लाह सरकार काफी हुजूर को मुलायजा फरमा रहे हैं चेली को ज़ियारत करें और शेर सुने मेरे घर में आफतें आती नहीं है इसलिए मेरे घर में आफतें आती नहीं है इसीलिए मेरे घर में आफतें कि मेरे घर में शजरा है घर में आपका शजरा है घर
आयदान सरकार हुजूर आली नारे तकबीर नारे रिसालत आपका शजरा है घर में सैयदी नूरे अली आपका शजरा है घर में शेर को मैं पढ़ाऊं दुआओं के साथ सुने शान शौकत से नवाजा जा रहा हूँ तहर में शान शौकत से नवाजा जा रहा हूँ तहर में शान शौकत से नवाजा जा ये ज़ीशान क़ादरी अपनी अक़ीदत का इज़हार कर रहे थे लेकिन हकीकत ये है ये अपनी ग़ुलामी का खिराज पेश कर रहे थे आज से अब सब पेश कर रहे हैं लेकिन हकीकत ये है कि उस ज़ात की क्या कोई शान बयान कर सके उस ज़ात की क्या कोई शान बयान कर सके जो बहारे विलायत में पली हो जो बहारे विलायत में पली हो ये हकीकत है जो भी अशार कहे जाएं कम है। अब आइए फिर नाते पाक ही के चंद अशार लिए आपके सामने मद्दाह खैर अनाम जनाब शाहिद कमर आ रहे हैं उनकी ज़ुबानी नाते नबी के अशार समाज फरमाए शाहिद कमर मेंबर इन रोड पर बैठे हैं बाबा कारुल माइकराम जुमरा सामाइन सरकार बाबू हुजूर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं सरकार हुजूर आली की शान में जो फरमाइश है एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ जुमके दुरूद शरीफ पर अल्लाहुम्म सल्लि अला हेलो हेलो मतलब पढ़ता हूँ मुलाजा फरमा ले कि तुम्हें जब डाली नजर आली हुजूर तुमने जब डाली नजर आली हुजूर तुमने जब डाली नजर आली हुजूर तुमने जब डाली नजर आली हुजूर के तुमने जब
पर आले हुजूर हो गया मैं मौत पर आले हुजूर हो गया मैं मौत पर आले हुजूर और मैं यहीं से शहर तैबा देख लूं मैं यही से शहर तैबा देख लूं मैं यही से शहर तैबा देख लूं मैं यही से शहर तैबा देख नजर आले हुजूर बस तो ऐसी नजर आले हुजूर बस तो ऐसी नजर आले हुजूर और एक शेर मुलाजा फरमा ले कि मेरे घर में रहमतें आने लगी सरकार हुजूर आली है वो खामोश नहीं बैठेंगे एक मरतबा मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह मेरे घर में रहमतें आने लगी मेरे घर में रहमतें आने लगी आशिकों की हर दुआ मकबूल हो आशिकों की हर दुआ मकबूल हो आशिकों की हर दुआ मकबूल हो ऐ कमर सारे मुनाफिक के लिए जरा कहिए ना सुभान अल्लाह और मोहब्बतों के साथ जोर से कह दे या रसूल अल्लाह ऐ कमर सारे मुनाफिक के लिए ऐ कमर सारे मुनाफिक के लिए ऐ कमर सारे मुनाफिक के लिए के कमर ऐ कमर सारे
आप थे शेरे बबर आले बुजुर्ग, आप थे शेरे बबर आले बुजुर्ग, आप थे शेरे बबर आले बुजुर्ग, तुमने जब डाली नजर आली बुजुर्ग। दरशे पढ़िए اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد المعجل الجود والكرم। शाहिद कमर अपने अकीदत के इजहार कर रहे थे। हजरात काबिल मुराकबाद हैं ये हुजूर आली।